नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप बैंक में जाते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट का काम करते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में कोई आप काम करवाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, चाहे वो पैन कार्ड की बात कर लें, चाहे आधार कार्ड की बात कर लें या फिर वोटर आईडी की बात कर लें। लोग कहते हैं कि भाई आधार कार्ड को बैंक से लिंक करवा लो तो पैन कार्ड को बैंक से लिंक करवा लो, अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवा लो तो इससे वो लिंक करवा लो, इससे वो लिंक करवा लो, ये तमाम चीजें होती रहती है। और आप सभी को पता भी होगा कि आखिरकार ये चीजें एक दूसरे से जोड़ने की क्या संभावना है, यानी कि क्या चीजें हैं और इससे बेनिफिट क्या होता है। नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इससे ये बेनिफिट होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और वहां पर अपना डॉक्यूमेंट दे दिए, इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि आप फ्रॉडगिरी नहीं कर सकते हैं, आप किसी के साथ जो है चीट नहीं कर सकते हैं। और आप आसानी से अगर उस टाइप की चीजें करते हैं तो डायरेक्टली जो है वो आप पकड़े जा सकते हैं या फिर अंडर कस्टडी में आ सकते हैं। और जब आप फ्रॉड काम करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको जेल की सजा भी हो सकती है। तो आपको इन सारी चीजों को रखते हुए मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, और वो चीज ये है कि जब आप टेलीविजन देखते हैं, चाहे स्पोर्ट्स देखते हैं या फिर टीवी सीरियल्स देखते हैं, तो आप देखते होंगे कि अचानक से आपके स्क्रीन पर कुछ नंबर 00C288 ऐसा कुछ करके अचानक से ऊपर नीचे कॉर्नर में कहीं भी जो है वो अचानक से आ जाता है। तो आपके जहन में उस समय सवाल आता होगा, या फिर अगर आपने उस समय नहीं सोचा तो आप अब एनालाइज कीजिए कि जब ऐसा आता है आपके टीवी पे तो आपको कहीं ना कहीं एक सवाल उत्पन्न होता होगा कि आखिरकार ये नंबर क्यों आ जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो आज जो है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जब भी टीवी पर इस प्रकार का नंबर आता है उसका भी कुछ मतलब होता है, उसका मतलब क्या है इसकी मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले तो नंबर जो आता है उसको आप छोड़ दीजिए। होता क्या है कि जब भी कोई चीज टेलीकास्ट होता है, लाइक स्पोर्ट्स का होता है, टेलीविजन का टीवी सीरियल होता है, कॉमेडी होता है या फिर कोई मूवीज होती है, जो भी चीजें होती है वो कहीं ना कहीं किसी फाउंडेशन के अंदर होती है, उसके लिए पैसे देते हैं तब जाकर राइट्स मिलती है और उस राइट्स को जो है वो आपके टीवी चैनल्स पर टेलीकास्ट किया जाता है। कुछ लोग होते क्या है कि कुछ लोग वेबसाइट बना देते हैं, कुछ लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और उन्हीं सब चीजों को लाइव स्ट्रीम कर देते हैं। तो लाइव स्ट्रीम कर क्या करते हैं कि फ्रॉड वेबसाइट बनाए, उस वेबसाइट्स के माध्यम से रिवेन्यू जनरेट करते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे ना कि आईपीएल तो आता है, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आईपीएल को चलाते हैं और वो जो है आप देखते होंगे कि अभी चल रहा है और सुबह जब उसको देखते हैं तो वो खत्म हो गया होता है, या फिर ऐसी चीजें जो है आप तमाम जगहों पर देखते होंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि लोग एज अ पायरेसी के रूप में उसको यूज करने लगते हैं, उसका कॉपी करके उसको लाइव स्ट्रीम कर देते हैं, जिसके माध्यम से अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, प्लस होता क्या है कि अपना फॉलोअर्स भी बढ़ाते हैं। तो भैया अब आप सोचिए कि अगर मैं किसी चीज का पैसा दिया हूं टीवी पर चलाने के लिए और उसी टीवी को आप जो है लाइव स्ट्रीम के तौर पर कहीं और वेबसाइट पर चलाकर पैसा कमा रहे हैं तो बताइए जो खरीदा है उसको लॉस है कि नहीं है, क्योंकि ऑडियंस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप व्यूअर कमाएंगे और व्यूअर जब कमाएंगे तो आप पैसा कम कमाएंगे। इसी चीज को लेकर, इसी तरीके की इलीगल चीजों को लेकर जो टीवी चैनल्स वाले हैं वो सडनली कहीं भी ऊपर नीचे कोना में बीच में वो नंबर भेज देते हैं। उससे क्या होता है कि आप उसको ब्लर भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक जगह पर अगर रखा होता तो उसको आदमी ब्लर कर देता है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो ब्लर कर देंगे, एक जगह देगा तब ना वो ऊपर नीचे कहीं भी वो नंबर जो है डायरेक्टली फेंक देता है। इससे क्या होता है कि अगर आप उस चीज को चलाते हैं और गलती से वो चीज पकड़ी गई तो फिर आप जो है कस्टडी में आ सकते हैं, आपको पकड़ा जा सकता है, क्योंकि उसी नंबर से आपको ये पता चल जाता है, कंपनी को पता चल जाता है कि ये केबल कहाँ पे लगा हुआ है, कौन से घर में लगा हुआ है, किसके नाम से लगा हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन को पता चल जाती है और फिर जाकर जो है वो वहां पर आपको अरेस्ट कर लेते हैं और हो सकता है कि आपको
करे सजा भी हो जाए। तो इसीलिए जो है टीवी चैनल्स वाले जो है कभी कभी आप देखते होंगे कि इस प्रकार के नंबर जो है वो कहीं ना कहीं टीवी स्क्रीन पर चलाते नजर आते हैं। तो कई लोगों के सवाल थे, मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।